पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत साहू व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीता पवार के मार्गदर्शन में शासकीय माध्यमिक विद्यालय हिर्री में बालिकाओं को हमर बेटी हमर मान के तहत अपनी सुरक्षा किस तरह की जाए तथा बालिकाओं को कानून संबंधित गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक कर अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी देकर उन्हें हेल्पलाइन नंबर दिया गया। छोटी बहनों को बताओगे अगर किसी बहन के साथ या किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बच्ची भी कम से कम अपनी सुरक्षा कर सकती है। आप इस चीज को सुन रहे हो तो घर जाके उस बच्ची को बताओ, अपने आसपास की पड़ोस। ऐसे कई बच्चे के साथ केस हुआ जिनको बहला फुसला के कि हम आपको पढ़ाई करवाएंगे, आ जाओ अच्छे से ट्यूशन पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ कोई बच्ची नहीं है करके लेके चले जाते हैं। उनके माँ बाप भी कहते थे कि हाँ गाँव में कहाँ पढ़ेगी, आपको तो हम जहाँ रहे दे रहे हैं। लेकिन अगर वो बच्ची को कुछ पता नहीं तो घर में ही रह जाएगी। लेकिन अगर उस बच्ची को पता है कि डायल 112 नाम की भी चीज होती है, उसमें फोन करके मदद मांग सकती है, 1098 में कॉल कर सकती है, पता है ना ऐसा, ये सब बच्चे काम आता है। ठीक है, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको दिल्ली, बड़े बड़े शहर, मुंबई और भी बड़े जगह है, देश के बाहर ले जा रहे हैं। उनके माता पिता को पता ही नहीं है, उनको मोबाइल नंबर भी नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने माता पिता का मोबाइल नंबर या घर के किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर याद है कि फोन में सेव है? डायल कर सकते हो किसी के फोन से? ये हमेशा होना चाहिए कि दो मोबाइल नंबर हमेशा याद रहे। ऐसा ना हो कि हमारे फोन में सेव है तो हम सीधा कॉन्टेक्ट लेस के थ्रू कॉल करें, कहीं घूम जाओ, कहीं कुछ जरूरत पड़ जाए तो दूसरे का मोबाइल लेके भी आप अपने घर में इन्फॉर्म कर सकते हो। आप लोगों को कुछ पूछना